गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th मैथ्स के एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले कि दो वीडियो में मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि स्पर्श रेखा की प्रवणता और स्पर्श रेखा के समीकरण के विषय में मैं आपसे इससे पहले दो वीडियो में बात कर चुका हूँ, और बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पास बोर्ड परीक्षा में रहेगा। इसमें फिर से यही क्वेश्चन है कि ये कोई वक्र आपको दे रखा है, इस वक्र पर आपने स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, लेकिन शर्त क्या है कि जिस इस वक्र पर जो आप स्पर्श रेखा खींचोगे, पहले तो वो इस रेखा के समांतर है और उसके बाद वो इस वाली रेखा के पर क्या है, लंबवत है। इन दोनों कंडीशन में आप लोगों को स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। आपको पता है कि हमको स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने से पहले इस वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी पड़ेगी, और प्रवणता को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो वक्र जो आपके पास दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, इसका आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, 7 का करोगे तो 0। ये आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई dy अपॉन dx। अब आपसे क्या कहा गया है कि आपने उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस रेखा के समांतर है। तो आपने अगर ये इस रेखा के समांतर है तो आपको इस रेखा की प्रवणता भी निकालनी पड़ेगी। रेखा 2x सॉरी माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यहां से y का वैल्यू निकालेंगे, इस y को इस तरफ ले गया मैं तो माइनस हो गया, तो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2x अपनी जगह पर है और प्लस का 9 भी अपनी जगह पर है। इस y को मैं माइनस का y था इधर ले गया तो प्लस बना दिया, और ये 2x प्लस 9 अपनी जगह पर रहने, जब इसका डिफरेंशिएट करो तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा, इस 2x का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और 9 का करेंगे तो 0 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब आप प्रश्न के अनुसार देखिए कि प्रश्न अनुसार जो आपका ये वक्र है, इस वक्र पर जो आप स्पर्श रेखा खींचोगे वो इस वाली रेखा के समांतर होनी चाहिए। समांतर किसके लिए, मैं आपको समझा देता हूं कि माना ये कोई वक्र है, इस वक्र पर आपने कोई ये रेखा खींची स्पर्श रेखा, वो स्पर्श रेखा किस दी हुई रेखा के समांतर है, इस दी हुई रेखा के क्या है, समांतर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों रेखाओं का जो ढाल है वो बराबर होगा, इस रेखा इस वक्र पर खींची स्पर्श रेखा की प्रवणता और इस रेखा की प्रवणता दोनों क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या है, समांतर, और समांतर है तो ढाल बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा कि 2x माइनस जो 2 है वो बराबर हो जाएगा किसके, 2 के, क्योंकि ये भी डिवाइड अपॉन dx है और ये भी डिवाइड अपॉन dx है, तो 2x माइनस 2 बराबर 2 होगा। तो यहां से देखिए 2x बराबर हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 2। अब इस x का वैल्यू आप उठाकर क्या रख दीजिए वक्र में, तो x का वैल्यू वक्र में रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 और प्लस 7, तो y बराबर आ जाएगा 2 दुना 4 और 2 दुना 4 और प्लस 7, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और y बराबर आ जाएगा 7। तो जब आपने इस पर बिंदु x और y ज्ञात कर लिया तो आपको बिंदु मिल गया क्या, आपका जो बिंदु बन गया वो बन गया x बराबर 2 और y बराबर 7। अब इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है आपने, इस स्पर्श रेखा का समीकरण अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। स्पर्श रेखा के समीकरण का फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस ऑफ एक्स वन, तो एक्स वन वाई वन ये है तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन, वाई वन की जगह पर क्या आएगा आपका 7 इज इक्वल टू डीवाई अपॉन डी एक्स, डीवाई अपॉन डी एक्स दोनों के बराबर है तो 2 आ जाएगा, डीवाई अपॉन डी एक्स के बराबर है 2 और एक्स माइनस एक्स वन बराबर 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वाई माइनस 7 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x और माइनस के 4। अब इसको इधर पक्षांतर करो तो ये हो जाएगा 2x, ये y इधर जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा माइनस का, ये 7 इधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, घट जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी समीकरण आ जाएगी कौन सी,
स्पर्श रेखा की समीकरण। कौन सी स्पर्श रेखा की समीकरण? जो इसके समांतर है, जो इसके क्या है, समांतर है। तो ये पहली वाली कंडीशन आपको समझ में आ गई कि इस वक्र पर खींची स्पर्श रेखा इस स्पर्श रेखा के समांतर है, तो दोनों के परवर्ता ढाल क्या होगा, बराबर होगा, तो इसलिए ये बराबर रख दिया। दूसरी शर्त के अनुसार देखेंगे यहां पर कि दूसरी शर्त में क्या है, कि दूसरी शर्त से यहां से आप शुरू करिए कि दूसरी शर्त के अनुसार आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें स्पर्श रेखा का समीकरण नहीं बल्कि अभिलंब का समीकरण पूछा गया है। तो यहां पर आप देखिए कि अभी आपके पास वक्र की आपने प्रवणता निकाल रखी है, अब ये कह रहा है कि जो इस वक्र पर जो स्पर्श रेखा खींचनी है वो इस पर लंब है, तो रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 पर ये क्या है, लंब है। लंब होने का मतलब इसके लिए भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 5y बराबर हो जाएगा 15x और प्लस के 13, और y बराबर आप ज्यादा ध्यान दीजिए कि y बराबर कितना हो जाएगा, 5 का भाग दो तो 5 किया 15 और यहां हो जाएगा 13/5, इस 5 का भाग दे दिया। अब इसका डिफरेंशिएट किया तो इसका डिफरेंशिएट देखो कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ जाएगा 3, क्योंकि एक्स का हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। अब यहां पर ध्यान देना है कि लंबवत है, तो इसलिए हमको यहां पर अभिलंब की प्रवणता निकालनी होगी, अभिलंब की प्रवणता। अब अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, माइनस 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, इसलिए ये क्या जाएगा, माइनस 1 अपॉन। अब यहां ध्यान देने की जरूरत क्या है कि जो ये वाली जो रेखा है वो इस वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा पर अभिलंबवत है, अर्थात अभिलंबवत होने का मतलब कि जो वक्र की प्रवणता है 2x माइनस 2 वो अभिलंब की प्रवणता के बराबर होगा, अर्थात अभिलंब की प्रवणता हो गई माइनस 1/3। अब सॉल्व करो इसको, इसके बटे में 1 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करो तो 3 × 6 और 3 × 6 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, तो 6x बराबर हो जाएगा 6 − 1 और 6x बराबर हो जाएगा 5 और x बराबर हो जाएगा 5/6। जरा ध्यान दीजिए कि 2x माइनस बराबर -1/3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 6 और 3 × 6 बराबर हो जाएगा -1, ये प्लस माइनस का 6 तो ये आ जाएगा x बराबर 3। अब आपने क्या करना है, जब आपने x का वैल्यू निकाल लिया तो इस x का वैल्यू यहां पर रखिए, तो यहां से आपको y का वैल्यू निकल जाएगा, तो जब आपका यहां से y का वैल्यू निकल के आ जाएगा तब आपको एक बिंदु मिल जाएगा, कौन सा, x, y, और वहां पर आपको x, y जब मिल जाएगा तब आप इस पे स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। कैसे निकाला था, अभी निकाल के दिखाया था मैंने, y − y1 = dy/dx (x − x1). तो यहां पर जब आप dy/dx रखेंगे तो यहां पर dy/dx 3 के बराबर रखेंगे आप, क्योंकि आप स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल रहे हैं ना कि अभिलंब का, तो इसमें यहां पर 3 रखना, x की जगह पर 5/6 रखना और y का वैल्यू यहां से निकाल के इस तरीके से आप स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल देंगे।